दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बोली हुई हर एक बात और हर एक यादगार चीज़ देश के लिए एक मिसाल है। भारत को आज़ादी दिलाने में बापूजी का काफ़ी अहम योगदान था, पर क्या आप ये जानते हैं कि गांधी जी जिस लाठी को लेकर चलते थे वो आज भी सही सलामत रखी गई है? और क्या आप ये जानते हैं कि गोडसे ने जिस पिस्तौल से गांधी जी को गोली मारी थी उस पिस्तौल को भी एक म्यूजियम में रखी गई है? इसके साथ ही गांधी जी का चश्मा, धोती और चरखा जैसी तमाम ऐसी चीज हैं जो आज भी बापू जी की याद को जिंदा कर देती है। दोस्तों, अगर आप भी गांधी जी की वो तमाम ऐसी यादगार चीज को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में गांधी जी के याद से जुड़ी ऐसी ऐसी चीज दिखाऊंगा जो शायद आपने इससे पहले कभी ना देखी होगी। उससे पहले, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नंबर वन, गांधी जी का चरखा। आजादी के वक्त से ही गांधी जी जिस चरखे को अपने हाथों से चलाते थे उस चरखे को आज भी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रखा गया है, जिसे देखने के लिए देश विदेशों से लाखों लोग आते हैं। नंबर टू, गांधी जी की हत्या करने वाली पिस्तौल। तारीख 23 जनवरी 1948 की शाम जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, उस पिस्तौल को और गांधी जी के सीने में लगे 3 बुलेट को भी आज भी दिल्ली के एक म्यूजियम में रखा गया है। नंबर थ्री, राष्ट्रपिता गांधी जी का चश्मा, टेलीफोन, धोती और उनकी लाठी। दोस्तों, बापूजी हमेशा अपने पास एक लाठी रखते थे। इसके साथ ही जिस चश्मे को गांधी जी पहनते थे और जिस टेलीफोन से वो बातें करते थे उसको भी अहमदाबाद के एक म्यूजियम में रखा गया है। अभी आप जो अपने स्क्रीन पर चश्मा, लाठी और टेलीफोन देख रहे हैं वो बापू जी का ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बापू जी की ये यादगार चीजें देखकर, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मेरे दोस्त, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।